दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण और भूमि पूजन पर लगेगी रोक। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। अब इस बीच इस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। पत्रकार साकेत गोखले ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर PIL के जरिए ये याचिका दायर की है। गोखले के PIL में कहा गया है कि भूमि पूजन कोरोना वायरस के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। इसके अलावा इस याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में 300 लोग शामिल होंगे और ये कोरोना के नियमों का उल्लंघन होगा। पत्रकार ने लेटर पिटीशन के जरिए भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही इसमें आगे कहा गया है कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। बकरीद का भी किया जिक्र। बता दी याचिकाकर्ता ने इस याचिका में उस आदेश का भी जिक्र किया जिसमें बकरीद पर सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी गई है ताकि कोरोना न फैल सके। अगर कोर्ट लेटर पिटीशन मंजूर हुई तो चीफ जस्टिस द्वारा नामित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की मांग की है। बता दें कि इस कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं और संतों को आने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। आमंत्रण की नीति तैयार की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से 150 से 200 लोगों को ही इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गजों को औपचारिक तौर पर आमंत्रण भेजा जाएगा। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।